नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु पर। मैं हूं राहुल और आज हम बात करेंगे कॉटन के बाजार में हुई ताजा तरीन गतिविधियों के बारे में। गुजरात और उत्तर भारत के राज्यों में स्पिनिंग मिलों की मजबूत मांग के कारण कॉटन की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में 29 शंकर 6 किस्म की कॉटन के भाव 150 रुपये बढ़कर 57,900 से 58,200 रुपये प्रति कैंडी हो गए। एक कैंडी का वजन 356 किलो होता है। पंजाब में रुई की हाजिर डिलीवरी के भाव 5,850 से 5,875 रुपये प्रति मन बोले गए। हरियाणा में 5,725 से 5,750 रुपये प्रति मन और ऊपरी राजस्थान में 5,570 से 5,975 रुपये प्रति मन थे। खैरथल लाइन में कॉटन के भाव 57,000 से 57,200 रुपये प्रति कैंडी थे। देश भर की मंडियों में कपास की आवक 22,200 गांठ हुई। एक गांठ का वजन 170 किलो होता है। घरेलू वायदा बाजार MCX और MCDX पर कॉटन की कीमतों में मिलाजुला रुख रहा। प्रति डॉलर ICE के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में भी कॉटन की कीमतों में मिलाजुला रुख देखा गया। व्यापारियों के अनुसार विश्व बाजार में कॉटन की कीमतों में एक तरफा बड़ी तेजी के आसार नहीं है, क्योंकि अमेरिका में कॉटन का उत्पादन ज्यादा है जबकि निर्यात मांग कमजोर है। US और जापान जानकारों के अनुसार उत्पादक मंडियों में कपास की दैनिक आवकों में कमी आई है और अधिकांश जिनिंग मिलों ने उत्पादन बंद कर दिया है। विदेशी बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में मिलाजुला रुख रहा, जबकि घरेलू बाजार में कॉटन वॉश की कीमतें तेज हुई। जालना में कॉटन वॉश के दाम 5 रुपये बढ़कर 910 रुपये प्रति 10 किलो हो गए। गुजरात डिलीवरी कॉटन वॉश के भाव 940 रुपये प्रति 10 किलो और अकोला में 915 रुपये प्रति 10 किलो हो गए। तेल मिलों की मांग सीमित होने से बिनौले के भाव उत्तर भारत के राज्यों में स्थिर रहे। हरियाणा में बिनौले के भाव 3,100 से 3,300 रुपये प्रति क्विंटल, श्रीगंगानगर लाइन में 3,100 से 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और पंजाब में 3,100 से 3,300 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहे। कपास खली की कीमतें भी स्थिर रही। सेलू में रेगुलर क्वालिटी की कपास खली की कीमतें 3,300 रुपये प्रति क्विंटल, भोकर में 3,280 रुपये प्रति क्विंटल और शाहपुर में 3,300 रुपये प्रति क्विंटल स्थिर रही। जबकि US। दोस्तों, इस तरह की ताजातरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।